हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 7th की साइंस का चैप्टर 5, दैट इज़ एसिड बेसिस एंड साल्ट, जिसमें हमने लास्ट टाइम में जो चैप्टर था उसके डिस्कशन को कंप्लीट कर दिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसके टेक्सचर क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन उससे पहले, जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज स्टेट डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। आपको बताना है एसिड और बेस में क्या डिफरेंस होती है। आपको पता है जो एसिड्स होते हैं उनका टेस्ट जो होता है सोर होता है, खट्टा होता है। लेकिन बेसिस का टेस्ट कैसा होता है, वो बिटर होता है, कड़वा होता है। एसिड को जब हम ऐड करते हैं लिटमस सॉल्यूशन में तो उसका कलर जो है वो रेड में चेंज हो जाता है, जबकि बेस को जब हम लिटमस सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। एग्जाम्पल कौन से हैं एसिड्स के, कर्ड, लेमन जूस, विनेगर। एग्जाम्पल बेसिस के भी पता है आपको, बेकिंग सोडा, सोप, लाइम, वाटर, जो कि हमने ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अमोनिया जो है वो हम अपने हाउस होल्ड जो प्रोडक्ट होते हैं घर के, वहाँ पे हमें मतलब फाउंड किया जाता है, जैसे कि आपका जो विंडो क्लीनर होता है उसमें भी अमोनिया पाया जाता है। ये क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है, तो उसका नेचर कैसा होगा। तो आपको पता है जब भी कोई चीज़ रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर जाती है तो उसका नेचर कैसा होता है, उसका नेचर बेसिक होता है। उसी तरह आपका जो अमोनिया है वो पेस टर्न कर रहा है रेड लिटमस को ब्लू में, तो आपका अमोनिया भी क्या होगा, वो बेसिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा है उस सोर्स का नाम बताइए जहाँ से लिटमस सॉल्यूशन हमें मिलता जा कहाँ से पाया जाता है, मीन्स लिटमस सॉल्यूशन आपका, और यूज़ क्या है इस सॉल्यूशन का, लिटमस सॉल्यूशन का क्या यूज़ होता है। आपको पता है लिटमस जो हम कहाँ से मिलता है, लिचेंस प्लांट्स में मिलता है, ये पर्पल कलर का होता है डिस्टिल्ड वाटर में। जब हम इसे ऐड करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में ये उसको रेड टर्न में टर्न कर देता है, और जब बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। तो इसीलिए लिटमस पेपर को किस लिटमस सॉरी लिटमस सॉल्यूशन को यूज़ किया जाता है, क्या टेस्ट करने के लिए, एसिडिक और बेसिक नेचर बताने के लिए किसी भी सॉल्यूशन का, कि जो भी आपके पास सॉल्यूशन है क्या वो एसिडिक है या बेसिक है, वो फाइंड किया जाता है लिटमस सॉल्यूशन का यूज़ करके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर आपको पूछा गया है कि जो आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है, जो टैप वाटर भी होता है आपका, क्या वो एसिडिक होता है, वो बेसिक होता है या न्यूट्रल होता है, आप कैसे वेरीफाई करेंगे इसे। डिस्टिल्ड वाटर जो होगा पर न्यूट्रल होगा, क्योंकि वो पीने का पानी होता है हमारा, ना ही वो एसिडिक होगा ना ही वो बेसिक होगा। हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं लिटमस टेस्ट से, वाटर जो है वो चेंज नहीं करेगा कलर, ना ही रेड लिटमस का ना ही ब्लू लिटमस का, तो वहाँ से प्रूव हो जाता है कि जो आपका वाटर है वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। क्योंकि न्यूट्रल सब्सटेंस कब होते हैं, जब ना ही ब्लू लिटमस रेड में चेंज होता है ना ही रेड लिटमस आपका ब्लू में चेंज होगा। तो इसका कहने का मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ब्लू लिटमस पेपर पे, रेड लिटमस पेपर पे, तो आपका जो सब्सटेंस होगा जिसका आप टेस्ट कर रहे हैं वो आपका क्या होगा, न्यूट्रल होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको बतानी है प्रोसेस वो भी न्यूट्रलाइजेशन की विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, मीन्स आपको पहले ये भी बताना है न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है, उसके बाद एक एग्जाम्पल भी देना है। तो आप एग्जाम्पल तो कोई भी दे सकते हैं, इसे आप अगर एक्टिविटी के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा पूरी प्रोसेस को। न्यूट्रलाइजेशन की, न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है, जब एसिड से सॉल्यूशन और बेस सॉल्यूशन जो है जब मिक्स किए जाते हैं सूटेबल अमाउंट में, तो दोनों एसिडिक नेचर एसिड का और बेसिक नेचर जो बेस का है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को। वो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होता है वो ना ही एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक होता है, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब एग्जांपल के लिए आप क्या करेंगे, 1/4 टेस्ट ट्यूब का है उसको फिल कर दीजिए आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, और उसमें डाल दीजिए कुछ ड्रॉप किसकी, लिटमस सॉल्यूशन की। अब जो कलर है सॉल्यूशन का वो क्या हो जाएगा, रेड, क्योंकि आपने एसिड में डाली हैं। तो जो ऐड करना है आप उसमें क्या, एसिड सॉल्यूशन में ड्रॉप डाल दीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की, 1/1 ड्रॉपर के साथ, तब तक हिलाते रहिए जेंटली जब तक जो कलर है ऐड करते जाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जब तक उसका जो कलर है ना वो क्या नहीं हो जाएगा, बिग ग्रीन ना हो जाए। तो इफेक्ट जो क्लोरिक एसिड का है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, वो न्यूट्रलाइज कर दिया किसने, सोडियम हाइड्रोक्साइड ने। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है, हाइड्रोक्लोरिक आपका एसिड है, दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये हमने जो एक्टिविटी है ऑलरेडी डिस्कस की हुई है जब हमने चैप्टर रीडिंग की थी क्लास उसमें वीडियो में लास्ट टाइम, तो उसमें ऑलरेडी ये एक्टिविटी हमने डिस्कस की हुई है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 6 है, मार्क करना है आपने टी स्टेटमेंट के लिए अगर ट्रू है, एफ करना है अगर आपका फॉल्स है। तो अपने यहाँ पे बताया गया है नाइट्रिक एसिड जो है वो टर्न करेगा रेड लिटमस को ब्लू,
जब बात ही आ रही है उसका नाम ही नाइट्रिक एसिड है तो वो बेस का काम क्यों करेगा? वो रेड लिटमस को ब्लू नहीं करेगा बल्कि ब्लू लिटमस को रेड में करेगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। नेक्स्ट आपका कि सोडियम हाइड्रोक्साइड वो क्या करेगा? टर्न करेगा ब्लू लिटमस को रेड में। आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस होता है, तो वो रेड लिटमस को ब्लू में करेगा ना कि ब्लू लिटमस को रेड में। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो गई? ये भी फॉल्स हो गई। सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं और बनाते हैं फॉर्म, साल्ट बनाते हैं साथ में वाटर बनाते हैं। तो ये तो हमने अभी अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में डिस्कस किया है, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई? ट्रू है। नेक्स्ट आपको बोला कि इंडिकेटर वो सब्सटेंस होता है जो शो करता है डिफरेंट कलर एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में, तो यस वो तो करता ही है, ये भी ट्रू हो गया। नेक्स्ट लास्ट पार्ट में यहाँ पे पूछा है टूथ टिके का कारण क्या होता है? बेस। टूथ टिके का कारण बेस नहीं होता, ठीक है, बेस जो है वो इफेक्ट नहीं करता टीथ को, इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई है? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जी आपका कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन है। डोचे के पास कुछ बॉटल्स हैं सॉफ्ट ड्रिंक की उसके रेस्टोरेंट में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये क्या है? लेबल नहीं है। अब वो सर्व करना चाहता है ड्रिंक्स किसकी डिमांड पे? कस्टमर की डिमांड पे। कस्टमर की डिमांड है, उन्हें ड्रिंक चाहिए। तो एक कस्टमर चाहता है एसिडिक ड्रिंक, दूसरा चाहता है बेसिक और तीसरा चाहता है न्यूट्रल ड्रिंक। तो कैसे डोचे डिसाइड करे कि कौन सा ड्रिंक वो किसको सर्व करे? क्योंकि जब उसने लेबल ही नहीं किया तो उसे पता है पता ही नहीं होगा कि एसिडिक कौन ड्रिंक कौन सा होगा, बेसिक कौन सा होगा और न्यूट्रल ड्रिंक कौन सा होगा। अब डोची यहाँ पे क्या कर सकता है? आपको पता है ईजी वे है, लिटमस टेस्ट का यूज़ कर सकता है। वो यस यूज़ करेगा फ्यू ड्रॉप ड्रिंक की कहाँ पे? लिटमस पेपर पे। वो ये डिसीजन लेगा यहाँ से, अगर लिटमस पेपर ब्लू हो गया तो ड्रिंक बेसिक है, अगर रेड हो गया एसिडिक है, अगर ग्रीन हो गया तो न्यूट्रल है। क्योंकि जब एसिड और बेस एक दूसरे पर रिएक्ट करते हैं तो कलर कौन सा आता है आपका? ग्रीन। जब इफेक्ट कैंसिल हो जाते हैं ना एक दूसरे के न्यूट्रलाइजेशन में तो कलर कौन सा आता है आपका? ग्रीन। तो इसका मतलब वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन करना है कि एंट एसिड टैबलेट जो है वो दी जाती है जब हमें एसिडिटी होती है, वो क्यों? देखिए जब रिलीज होता है बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हमें क्या हो जाती है? एसिडिटी। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ये चैप्टर में भी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टोमक में प्रेजेंट होता है वो हेल्प करता है इन द डाइजेशन प्रोसेस में, लेकिन अगर वो ज़्यादा हो जाए तो इनडाइजेशन हो जाती है। इनडाइजेशन के कारण ही आपकी एसिडिटी हो जाती है। तो एंड एसिड टैबलेट में के अंदर क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है जो क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है हाइड्रोक्लोरिक के इफेक्ट को, और उसके कारण क्या आ जाती है? रिलीफ मिल जाती है पर्सन को जिसको क्या होगी? एसिडिटी होगी। नेक्स्ट तक बी पार्ट में बोला गया है कि कैलामाइन सॉल्यूशन जो है वो अप्लाई किया जाता है स्किन को जब भी एंट बाइट करती है, वो क्यों? हमने ये पढ़ा था कि जो डंग होता है, जो स्टिंग होती है एंट की, उसके अंदर क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है जिसके कारण इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाती है स्किन। कैलामाइन सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? जिंक कार्बोनेट होता है जो कि बेस होता है। कैलामाइन सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज कर देता है आपके फॉर्मिक एसिड के इफेक्ट को जो कहाँ से आया है? एंट बाइट से, जब हम अप्लाई करते हैं उसको स्किन के ऊपर। सी पार्ट में बोला है कि फैक्ट्री बेस को भी न्यूट्रलाइज किया जाता है डिस्पोज करने से पहले उन्हें वाटर बॉडीज़ में, क्यों? क्योंकि आपको पता है जो वेसेस आते हैं फैक्ट्री से उनमें बहुत सारे क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। अगर उन्हें हमें पानी में जाने दिया तो जो वाटर बॉडीज जितनी भी हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, एसिड के कारण उनके क्या हो जाएगी? किल हो जाएगी, वो मारे जाएंगे। तो इसलिए फैक्ट्री के बेसिस को क्या किया जाता है? पहले न्यूट्रलाइज किया जाता है, उसके बाद उसे छोड़ा जाता है। और न्यूट्रलाइज कैसे किया जाता है? उसमें बेसिक सब्सटेंस को ऐड किया जाता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे भी आपको एक कंडीशन दी गई है कि 3 लिक्विड्स हैं आपको दिए गए हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है और तीसरा शुगर सॉल्यूशन है। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उनको? अगर आपको टर्मरिक इंडिकेटर का यूज़ करना होगा, मीन्स आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा शुगर सॉल्यूशन है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई किसको यूज़ करके करना है? आपके टर्मरिक इंडिकेटर को करना है। आपको पता है टर्मरिक जो होता है वो येलो कलर का होता है, जब उसमें बेस ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का कलर जो होता है वो पिंक हो जाता है, और जब टर्मरिक का क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा, तब एसिड जब न्यूट्रल सॉल्यूशन में ऐड किया जाए तो वो येलो ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। याद रखिएगा जब बेस डाला जाता है तो वो पिंक कलर में हो जाता है, जब एसिड जब न्यूट्रल सॉल्यूशन डाला जाता है तो उसका कलर येलो ही रहता है। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि जो हमारे पास सोल्यूशन है वो बेस है
एसिड है या न्यूट्रल है। ओके नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। लेकिन उससे पहले हम एक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर सकते हैं कि हम कैसे करेंगे कि एसिडिक सोल्यूशन कौन सा है और बेस कौन सा है और शुगर सोल्यूशन कौन सा है। आप क्या करेंगे, कुछ ड्रॉप लीजिए हर एक सोल्यूशन की, उसे टेस्ट कीजिए टर्मरिक सोल्यूशन के साथ। अगर आपका सोल्यूशन टर्न हो जाएगा पिंक कलर में तो सोल्यूशन बेस है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। मार्क कर दीजिए बीकर को किसमें बेस है। टेस्ट कर सकते हैं ट्यूब में, दो कुछ ड्रॉप डालिए बेस सोल्यूशन की और सेकंड सोल्यूशन में, और चेक कीजिए कि टेस्ट ट्यूब क्या गर्म हुई है। उसके बाद उसके ऐड डाल कीजिए टर्मरिक सोल्यूशन। अगर कलर चेंज नहीं होता तो मीन्स की जो सोल्यूशन है वो क्या है, जो ऐड किया है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब को कर दीजिए लेबल कि वो गर्म हो गया न्यूट्रलाइजेशन के दौरान, तो इसका मतलब वो क्या हुआ, एसिड हुआ। अगर टेस्ट ट्यूब जो है अबूर सोल्यूशन का वो वार्म नहीं हुआ, उसने पिंक कलर शो किया जब टर्मरिक को ऐड किया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेकंड सोल्यूशन इज़ न्यूट्रल। ये कंडीशन जस्ट समझाने के लिए है, जो का क्वेश्चन का आंसर था वो ऑलरेडी हम पहले ही कर चुके हैं, उसमें इसकी नीड नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर जो 10 है कि ब्लू लिटमस पेपर अगर आप डिप करते हो सोल्यूशन में तो वो ब्लू ही रहे, तो नेचर जो सोल्यूशन का आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो अगर आपका ब्लू लिटमस पेपर जब डिप करते हैं सोल्यूशन में अगर वो ब्लू ही रहेगा, इसका मतलब कि सोल्यूशन जो है आइदर बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, कहने का मतलब है ब्लू ब्लू तभी रहेगा ना जब उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो वो न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो बेसिक भी हो। बेसिक के लिए तो आपको टेस्ट करना पड़ेगा, अगर वो बेसिक नहीं होगा तो फिर वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर जो है वो इसको फॉलो कर रहा है। ये स्टेटमेंट में आपको बोला गया है दोनों एसिड और बेस जो हैं वो चेंज करते हैं सारे के सारे इंडिकेटर का कलर। नेक्स्ट आपको बताया है अगर इंडिकेटर कलर देता है किसके साथ, चेंज विद एन एसिड, तो वो किसके साथ चेंज नहीं करेगा, बेस के साथ उसका कोई चेंज नहीं होगा। मतलब चेंज कर रहा है कलर एसिड के साथ, तो बेस के साथ कोई कलर चेंज नहीं करेगा। अगर इंडिकेटर चेंज करता है कलर बेस के साथ, तो वो एसिड के साथ कोई कलर चेंज नहीं करेगा। और चेंज ऑफ कलर जो है एसिड और बेस में, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप का इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो। तो यही करेक्ट है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप का इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो। क्योंकि अगर आप ब्लू लिटमस को यूज़ कर रहे हो, वो आप ब्लू लिटमस को यूज़ करोगे एसिडिक के लिए, जैसे कि अगर वो रेड में टर्न हो गया तो वो आपका एसिडिक सोल्यूशन हो गया। रेड लिटमस यूज़ करोगे अगर वो ब्लू हो गया तो सोल्यूशन आपका बेस हो गया। अगर दोनों में कोई इफेक्ट नहीं हुआ तो सोल्यूशन न्यूट्रल हो गया। मीन्स वो डिपेंड करता है कि आप इंडिकेटर कौन सा यूज़ कर रहे हो, चेंज इन कलर भी उसी पर डिपेंड करता है। तो आपका ऑप्शन कहाँ यहाँ पर कौन सा आएगा, डी वाला जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इसके साथ ही आपके ये टेक्स्चर क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो मेरी लेटेस्ट वीडियो हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।